हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि पाइसिस है यानी मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज हम यहाँ पर एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं, यानी आज हम जानने वाले हैं कि पाइसिस यानी मीन राशि वालों का इनर सुपरनैचुरल पावर क्या है, जो आपने कभी महसूस तो किया होगा बट ध्यान नहीं दिया होगा शायद ही। आप सोचो, मुझे पता है आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा, तो आप सोचो, मैं तब तक कार्ड्स निकाल लेती हूँ। आई नो बहुत सारे लोगों को मिल गया है, अगर आपको नहीं मिला है तो डोंट वरी, मैं बता देती हूँ। आपका जो इनर सुपरनैचुरल पावर है ना, वो है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। ये पावर कुछ अलग ही लेवल का है, यानी क्या बताऊँ, इस पावर का कोई जवाब नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। मुझे तो लगता है मैक्सिमम पाइसिस वालों ना ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर आपका जो पूर्वज होगा वो राज घराने से ताल्लुक़ रखता होगा, या फिर हो सकता है आपका पूर्वज ज़मींदार हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवोकन कोई फैमिली से आप बिलोंग करते हो। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रही है हो ना हो आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवोकन होते हो, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो डिवाइन के साथ। हम नॉर्मल लोगों को अगर दिखता है कि रास्ता यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, बट आपको दिखेगा कि इसके बाद भी रास्ता है, उसके बाद का भी रास्ता नज़र आता है। एंडलेस थिंकिंग है आपके। आप लोग जब सोने जाते हो ना, तब आपका जो स्पिरिट है, आपके अंदर का जो सोल है, वो कहीं ना कहीं परमात्मा से कनेक्ट करता है, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। एंशियन पीरियड के लोग, यानी मैं पाइसिस वालों की बात कर रही हूँ, वो लोग स्पिरिचुअली अवोकन पर्सन होते थे, यानी लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाते थे। उन लोगों को इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन विद्या में महारत हासिल था। वो लोग भूत भविष्य वर्तमान देख सकते थे, युग से युग ट्रांसफ़र हो सकते थे, यानी जा सकते थे एक युग से दूसरे युग में, यानी अलग ही लेवल का पावर है। मैंने आपको फर्स्ट ही बताया है, इस टाइम पर भी ये पावर आपके अंदर है, उसका 1-10% आप यूज़ करते हो अनकॉन्शियसली। इस पावर को अगर आप एक्टिव करना चाहो देन ऑब्वियसली आप कर सकते हो, बट इसके लिए आपको और ज़्यादा इसके ऊपर सर्च करना पड़ेगा, इसको और ज़्यादा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। एंड अगर मैं कलर की बात करूँ तो यहाँ पर ग्रीन कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है, यानी ये जो ग्रीन कलर है ये कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपके लिए ही बनाया है। यानी ग्रीन कलर नेचर का कलर होता है, सो नेचर से कनेक्टेड रहते हुआ आप लोग प्रकृति की तरह होते हो, एक नर्चरिंग, एक मदर क्वालिटीज़ आप लोगों के अंदर होता है, वो चाहे आप फीमेल हो या फिर वो चाहे आप मेल हो। सो ग्रीन कलर अगर आप अपने सराउंडिंग्स में कहीं पर भी एग्जिस्ट करवाते हो, यानी आपके लाइफ में कहीं पर भी आप एग्जिस्ट करवाते हो, देन आप नोटिस कर पाओगे कि आपका जो पावर है ना, वो धीरे धीरे से इंक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस कर पा रहे हो। तो आप ग्रीन कलर के कोई भी चीज़ आपके सराउंडिंग्स में आप रख सकते हो, आपके घर का जो फ्लोर है उस कलर के रख सकते हो, या फिर आपके घर के दीवारों को उस कलर के पेंटिंग करवा सकते हो, या फिर आप उस कलर के ड्रेसअप पहन सकते हो, नेल पॉलिश यूज़ कर सकते हो, कुछ भी ओके, उस या फिर घर में पौधा रख सकते हो, कुछ भी ओके। सो ग्रीन कलर के कुछ भी चीज़ आप अपने सराउंडिंग्स पर रख सकते हो, इससे एक अलग ही पावर आपको महसूस होगा। सो यहाँ पर मैं इतना ही आपको बता पाऊँगी, इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो डेफिनेटली आप सर्च कर लो। ओके, सो बाय।